भाई यहाँ के बारे में बताइए, क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ ये पे? देखो भाई, जी एक तो ये रस्सा है साथ में। अच्छा, रास्ता जैसे मतलब ऊपर चढ़ते हैं? हाँ ऊपर चढ़नेगा, थोड़ा ऊपर सा आप भी चढ़ के दिखा दोगे अरे क्या? चढ़ते रहते हैं भाई। चढ़ जाओगे आप भी? बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल, थोड़ी दूर चढ़ के दिखाइए हमारे किसान भाइयों को। संदीप नरवाल भाई भी यहाँ पे, देखो थोड़ा सा चढ़ के दिखाएंगे आपको। ऐसे चढ़ जाते हैं ये, देखो भाई ये चढ़ के, भाई ये भाई ने थोड़ा सा चढ़ के दिखाया। तो आप बच्चों को मतलब यहाँ पे ट्रेन करते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी भैया, और ये चेंजिंग रूम हो गया बच्चे के, ये बच्चे के लिए चेंजिंग रूम भी बनवाया हुआ है भाई ने। ये देखो ये इंडोर हॉल हो गया, इसमें मैट हो गए। जी जी भैया, ये 3 मैट लग जाते हैं इसमें अपने। जी जी भैया, और ये साथ के साथ देखो ये पूरा जिम का हो गया। देखो भाई ये जिम, देखो भैया ना सारी मतलब ये काफी महंगी आई होगी ये भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी देखो सारी मशीन है भाई, ए टू जेड जो। इस साइड हो गया। जी जी, ये साथ में उस साइड हो गया। जी जी भाई, और देखते हैं भाइयों। संदीप भाई ये फोटो मैं जिक्र करूँ, ये कब का फोटो होगा? जैसे बात करें इसमें राहुल चौधरी भी आपको पकड़ रहे हैं लेकिन आप पकड़ में नहीं आ रहे। हाँ ये जब मैं यू मुंबई में था। अच्छा, यू मुंबई में, तो आप यहाँ पे मतलब ऊपर उड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है ऊपर उड़ रहे हैं। तो देखो भाई राहुल चौधरी भी पकड़ रहा है लेकिन भाई पकड़ में नहीं आता किसी की भी, ठीक है। और यहीं से आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो। जी जी, तो दोस्तों ये देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं एक बार आपको बाहर से भी दिखा देंगे लेकिन आपको यहाँ देख लो ये भैया अपने मिट्टी के ग्राउंड है, बिल्कुल बैक साइड में। जी जी, यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं कबड्डी? हाँ जी बिल्कुल, सुबह शाम दोनों। जी जी, ये देखते हैं भैया वो क्या उधर साइड में, वहाँ पे अपने मिट्टी का अखाड़ा बनवाया बच्चों के लिए। हाँ जी बिल्कुल। तो भाइयों जो बच्चे और भी स्पोर्ट्स में है, भैया ने सारी सुविधा दे रखी है, ठीक है। हाँ देखो वो बोलते हैं ना भाई अकेडमी है वहाँ पे हर स्पोर्ट्समैन के लिए, यहाँ अपने स्कूल में पढ़ाई के लिए भी है। जी जी भैया, प्लस टू तक का ये स्कूल है। जी जी, तो सभी बहन बेटियों के लिए है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, तो अपनी कबड्डी की एकेडमी है ओनली बॉयज के लिए भाई। जी जी भैया। हाँ तो दोस्तों अभी और भी आपको फोटोग्राफ दिखाएंगे, एक फोटो को भैया मैं जिक्र करूँ, ये कब आपको सम्मानित किया था ये भाई? अपने अभी अर्जुन अवार्ड मिला था मेरे को 2021 में। अच्छा 2021 में। हाँ जी हाँ जी। तो जब आपको अवार्ड मिला आपको कैसा लगा? बिल्कुल भाई बहुत खुशी होती है कि ये तो लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि जी जी इतना बड़ा पद हमारे को मिलेगा। जी जी, तो देखते हैं भाइयों ये हमारे भाई हैं, देखो कितने जच रहे हैं भाई कोर्ट में, ठीक है। और भाई जैसे वहाँ पे गए तो थोड़ा सा मतलब घबरा भी रहे थे कैसे मतलब जब अवार्ड? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। जी जी, वो तो जब फर्स्ट में था भी इतनी हिचकिचाहट नहीं होती। जी जी, तो जैसे आपका नाम बुलाने को संदीप नरवाल, तो आपके वो एक बड़ी खुशी हुई भाई मुझे अवार्ड मिल गया। बिल्कुल, जी जी, नहीं होती इतना बड़ा अवार्ड मिलता है। जी जी, स्पोर्ट्समैन को तो ये यकीन नाम ही आ जाता है उसका, तो उसमें ही बहुत खुशी होती है भाई। तो संदीप भाई जी बिल्कुल बात कराई, यो जो मैट है जो प्रो कबड्डी में होता है वही मैट है ये? बिल्कुल सेम वही मैट, सेम वही मैट है ये, बिल्कुल नया मैट, बिल्कुल। और जी यहाँ के बच्चे बच्चे कबड्डी खेलते हैं, कैसा लगता है आपको? क्या बढ़िया कबड्डी खेल रहा है इस गाँव के? संदीप नरवाल हो गया, बहुत सारे है ना नाम संभाल लिया भाई, ताऊ जी ने कहे नरवाल ने तो नाम कमा दिया। राम राम भाई, सारे भैया नया भाई फिर से स्वागत है कि नहीं वीडियो में। और भाइयों आज हम जा रहे हैं संदीप नरवाल भाई के यहाँ पे जो कि प्रो कबड्डी खेलते हैं। आप भी देखो प्रो कबड्डी, देखो कैसे लगा है, बढ़िया लगा है प्रो कबड्डी? फेवरेट प्लेयर कौन है? संदीप नरवाल। ये देखो भाई संदीप नरवाल का ये फैन है, और भाई के गाँव में जा रहे हैं, ये देखते हैं ट्रैक्टर भाई, और उधर साइड में देखते हैं अपने भाई का गाँव आने वाला है, और आज आपको दिखाऊंगे भी भाई का इंटरव्यू लेंगे थोड़ा सा। और हम तो जितने जो हमारे भाई हैं भाई मेहनत करें अपने गाँव का, अपने समाज का नाम रोशन करें, ठीक है। और संदीप भाई ने बड़ी मेहनत करी यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। और उनको कई अवार्ड मिल भी चुके हैं सम्मान के रूप में हमारे संदीप भाई को, ठीक है। और भाई के गाँव में जा रहे हैं और आपको आज उनसे मिलवाएंगे, ठीक है। आप भी प्रो कबड्डी प्लेयर बनोगे देख लो, ये भाई ने करा मैं प्रो कबड्डी प्लेयर बनूंगा, ठीक है। और ये देखते हैं क्या देखो भाई, ट्रैक्टर कौन सा आयो? सोनाली का 35 ट्रैक्टर है जी भाई, इस पे चल रहे हैं और आपको आज अपने संदीप नरवाल भाई से मिलवाएंगे, ठीक है। ये देखते हैं इसके पापा है, और हम लेके चलते हैं आपको भाई के गाँव में। ये देख लो जी ये रास्ता जा रहा है भाई के गाँव में, ट्रैक्टर पे है जी, और अंदर जो वही पे छोड़े गए पहुंच गए हैं भैया की अकेडमी पे। संजय नरवाल है यहाँ के प्रो कबड्डी प्लेयर, कथूरा गाँव है भाई का। ये देख लो जगह जगह किसान आदमी है, देखो ये पक्के वाले किसान है जी, ये देख लो भाई पक्के वाले किसान बैठे थे तो यार। ये देखो भाई ट्रैक्टर जोड़ने का शौकीन भी है भाई, ये देखते हैं। और ये गाँव दिखा रहा हूँ मैं आपको संजय नरवाल भाई का, ठीक है। ये देख सकते हैं आप सभी भाई, बढ़िया गाँव है, तरक्की काफी भाई के गाँव में। ये देखो गाँव है राम राम पक्के वाले किसान, ये देखो भाई वारे के नारे कर दिया थारे भाई ने गाँव में, ठीक है भाई जहाँ चले जाए थारा भाई वारे के नारे करके आया हुआ है भाई, कब तक क्यों नहीं वारे के नारे कर दिए, नहीं कर दिए भाई मेरे करा भी वारे के नारे कर दिए तो यार। और ये देखो भाई राम राम
भाई अपनी बुलेट पाया भाई, किसान है पक्का, किसान देखा भाई, मैं किसानी हो, ये भाई है किसान ही है भाई, ठीक है। और ये देखते हैं भी राम राम, देखो भाई संदीप नरवाल के भाई के गाँव में आए हुए हैं, तो यहाँ के बच्चा बच्चा कबड्डी खेल रहा भाई है, बच्चा बच्चा कबड्डी खेल रहा, अच्छा ग्राउंड बन रहा है भी, अच्छा ग्राउंड है जी जी भैया, कैसा लगा तुम्हारे यहाँ संदीप नरवाल है, कैसा लगा है, बड़ा लगा भाई, तो भाई कह रहा कि बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखते हैं भाई, ये बीबी हमारी, ये देख लो भाई, मैं आपको गांव दिखा रहा हूँ संदीप नरवाल भाई का, ठीक है। ये देखते हैं माँ जी कैसा लगा थारे यहाँ से कबड्डी खेल रहे बच्चे, कैसा लगा, बढ़िया लगा तुम्हें भी, यो देखा संदीप, संदीप कबड्डी खेल रहा है जो, देखा तुमने कैसा लगा, हाँ कदर कैसा लगा, बड़े लग गए भाई, हरियाणवी बोल रहे हैं माँ, तो थोड़ी थोड़ी मैंने आवे भी हरियाणवी, ठीक है। अरे देखो माँ जी क्या चीज़ है, गाँव का अड्डा बोल रहे हैं ऐसे, गाँव का अड्डा, तो दोस्तों देखते हैं भाई क्या लग गया भाई, संदीप नरवाल कबड्डी खेल रहा है, कैसा लगा है, बढ़िया लगा है, हैं तो भाई ये गाँव के हैं बस भाई, ठीक है। तो जा रहा भाई मौज लेता हुआ, जिंदगी एक सफर करता हुआ, ठीक है। ये देख लो भाई, वारे की नियारे करता है थारा भाई, यहाँ भी पहुँच जा, ठीक है। ये देख लो भाई, और भाई ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना, वारे की नियारे करते रहिए भाई, ठीक है। ये देखो भाई बिल काटना आ गया भाई, ठीक है। ये देखते भाई, और ये देखो भाई, भाई चलान कटेगा के, अच्छा नंबर दूँ, अरे भाई नंबर ले लूँ पहले, मौज में गई, बहुत सारे बालक जीत गए कबड्डी में, ठीक है। अभी तो वारे की नारे कर रहा, ताऊ की मोटरसाइकिल की हवाली कट गई, ताऊ सीकर बनाया भाई, लैटरीना बाइक ले रहा ताऊ, ताऊ जी राम राम, ताऊ जी मैं राम राम, और ठीक हो, तो यहाँ के थारे बच्चे कबड्डी खेल रहे गाँव के, ऐसा लगा, बढ़िया लगा है, मगर इस गाँव में कबड्डी खेल रहे बच्चे, कैसा लगा, बढ़िया लगा है, बढ़िया लगा भाई हो, अरे देख मजे राम राम, ये देखते भाई हो, और देख लो भाई हो, ये गाँव की मतलब जैसा ये भाई कस्बा से समझ लो भाई का गांव बहुत बढ़िया, संदीप नरवाल भाई का, ठीक है। ये देखो भाई, ये किसान आदमी रहा ट्रैक्टर लेके, पुराने जमाने वाला जो पहला चला करता था, ठीक है। ये देखते भाई, ये ताऊ जी देखो भाई, ये चल दिए, ये देख लो जी वारे किनारे करना है, ठीक है। ये जा रहा भाई ट्रैक्टर पुराने जमाने का, ये देख लो भाई, ये देखते हैं, ये ताऊ जी आ रहा, ताऊ जी पूछूँगा, ये देखो भाई इनका गाँव बसा हुआ पड़ा, इधर साइड में गाँव है सारा का सारा, और यहाँ पर पैतृक मंदिर है गाँव का, ठीक है। और ताऊ जी राम राम, ये देखते भाई, अरे राम राम, पर कैसा लगा थारे गांव के बच्चे कबड्डी खेल रहे, कैसा लगा, बढ़िया लगा है, बच्चा बच्चा कबड्डी खेल रहा है यहाँ का, तो कहाँ खेल रहे हैं, यहाँ खेलते ना ग्राउंड में खेल रहा है, ये कबड्डी खेल रहा है जो बच्चे, बढ़िया लगा है पूरा, तो किसान आप भी किसान ही हो जी, हाँ जी, तो भाई ये भी पक्के वाले किसान है जी, और गाँव में भाई सारी सुविधा फैसिलिटी संदीप नरवाल भाई के गाँव में, और ये भाई यहाँ बाइक सुधार है भाई, तो बातचीत करें भाई, कैसा लगा थारे गाँव में कबड्डी खेल रहे बच्चे, बढ़िया लगा भाई, अच्छा तो जैसे जुकर बात करें संदीप नरवाल, यहाँ भी आ जा, आ जा संदीप नरवाल यहाँ को भी, अच्छा तो भाई ने कह रहा कि अपना इधर को भी जत्ता तो लिकट के मिलकर चला जा, ठीक है। ये देखते भाई का गांव है जी, गांव के बच्चे मिल गए भैया संदीप नरवाल का गांव है, आयो है भाई, का कैसा लगा है, बढ़िया लगा भाई, बढ़िया गांव, तुम भी कबड्डी खेल रहे हो, कबड्डी खेल रहा है, तो दोस्तों ये माँ जा रही है, राम राम, हाँ ठीक हो, ये देखते भाई माँ जी हमारी संदीप नरवाल गाँव की, ठीक है भाई, चोखा बड़ा गाँव दिखा है, बढ़िया गाँव है, बड़ा गाँव है भाई, अच्छा टोटल नरवाल को होते सारे में, नरवाल ज्यादा रहो है हमारे गाँव में, तो भाई देखते हैं नरवाल है, ठीक है। और देखते हैं भाई उधर बस वहाँ भाई गाँव पर है होंगे, है ना, अच्छा यो रास्ता कहाँ चला जाए भाई, इंगे गोहाना, अच्छा यो फिर यो प्रदीप नरवाल के गाँव में चला जाएंगे, ये इंगे को रिटाना चला जाए जी सामने को, ठीक है। और भाई आज मैं भाई के गांव में आया हुआ हूँ, ठीक है, और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ संदीप नरवाल भाई का गांव, मैं भाई तभी मिलवाऊंगा, ठीक है। ये देखते हैं यो क्या चीज़ है, क्या बोल रहा है भैया, अच्छा जी साहब वो बोल रहे हैं चौपाल बोल रहा है गाँव में, भाई यो गाँव की चौपाल है भाई बता रहे हैं, ठीक है। ये देखते हैं, ये तो हमारा किसान पक्के वाला, ये देखते हैं भाई पक्का वाला किसान है जी, ये देख लो ये गाँव की चौपाल है जी, गाँव देहात में चौपाल बोल रहा है, ठीक है। ये देख लो जी ये गाँव के आदमी हैं संदीप नरवाल भाई के, ठीक है। ये देखते हैं गांव में भाई हो यही है भैया, गांव की जिंदगी सबसे बढ़िया हो, ठीक है। और आज मैं गांव में आया हूँ संदीप नरवाल जो कि यहाँ के प्रो कबड्डी खेलते हैं भाई, बड़ा अच्छा लगता है हमें ये देख के, देखो एक किस ये भैंस ले जा रही है, ये देखते हैं, देखते हैं भाई हो। और उधर साइड में भाई हो गाँव बसा हुआ है उधर साइड में सारा का सारा, ठीक है। और हम तो चाहते हैं जो हमारे भाई है खेती बाड़ी करें और गाँव में रह के अपना जो गाँव की धरती उसे छोड़ के ना जा किसान आदमी, ठीक है। और ये भाई गाँव की चौपाल है, चौपाल बोल रहे हैं ऐसे गाँव की, ताऊ जी राम राम, मैं किसान लग रहे किसान ही हो, पक्का वाले बिल्कुल के कच्चे वाले, कच्चे वाले देखे हल्के माटे से लग रहे मैंने भी, एक भाई हल्के माटे किसान से जा रहे हैं हमारे भाई, भाई ताऊ जी है ये हमारे, ठीक है। और ये देखते हैं यहाँ का बच्चा बच्चा कबड्डी खेल रहा जी, बच्चा बच्चा कबड्डी खेल रहा है यहाँ का, कैसा लगा थारे गाँव में इतने बड़े बड़े स्टार हो गए कबड्डी में, कैसा लगा जी, बड़ा लगा बिल्कुल, तो भाई देखते हैं हम तो वो कह रहा है जी ताऊ जी अगर कोई भी इंसान मेहनत करा है तो सहायता भगवान भी कर रहा है उसकी, जी जी उसको तरक्की भगवान भी देता है, तो भाई देखते हैं यार भाई गाँव में आके भाई मजा आ गया, तो ताऊ जी बच्चा बच्चा कबड्डी खेल रहा, संदीप नरवाल भी तो खेल रहा है,
200 देखते हैं। एक तो एड्रेस पूछ रहे, ये भूल गया कुछ इंजन भाई उनका जाना मैंने, ठीक है गांव में ऐसे पूछ लिया भाइयों, ठीक है। और देखते हैं ताऊजी आ रहे भाइयों, साइकिल बताओ दाम है, मैंने खेत बाजार देखे पक्के वाले किसान है, ये तो है कोई पक्के वाले किसान ताऊजी थे। अरे ताऊजी राम राम, बस राम राम, और ठीक हो? और कच्चे वाले किसान पक्के वाले, पक्के वाले किसान हो? ये देखो भाई पक्के वाले किसान है जी। तो भाइयों मजा आ गया भाइयों, और भाइयों इस वीडियो को शेयर कर दो। तो दोस्तों देखते हैं ये है संदीप नरवाल भैया के गांव का तालाब, जिसे गांव देहात में होता है, ठीक है। और बहुत ही सुंदर गांव है भाई का, गांव कथूरा है, ठीक है, जो कि हरियाणा में पड़ता है भाइयों। और यहां से भी भाइयों बहुत सारे प्लेयर हुए हैं, ठीक है, और जो कि प्रो कबड्डी स्टार बने हैं भाई। और जी यहां के बच्चे बच्चे कबड्डी खेलते हैं, कैसा लगता है आपको? तो बढ़िया कबड्डी खेल रहे हैं इस गाँव के। संदीप नरवाल हो गया, बहुत सारे है ना नाम कमा लिया भाई, ताऊजी ने कहे नरवाल ने तो नाम कमा दिया। ओ भाई और संदीप भैया मुझे मिल चुके हैं। संदीप भैया राम राम। नमस्कार सभी को। एक बार किसान भाइयों ने राम राम कह दो आप सभी किसान भाइयों को। नमस्कार जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान योद्धा में, ठीक है जी। भैया हमने तो आपको टीवी पे देखा था तो जुगर बात करे भैया, जैसे ये जो पीछे वोट सारे आपकी है? हाँ बिल्कुल, ये अपनी यहाँ पे आर्यन स्कूल है बनवासा गांव में। जी जी भैया, तो यहाँ पे एकेडमी है, ये अपना ऑफिस है स्कूल का। जी जी हाँ जी। तो जुगर बात करा है, जैसे आपका जो गांव है उसका क्या नाम है? जैसे मेरे गांव का कथूरा नाम है। जी जी, तो वो भी टोटल नरवालों के गांव होगा ना भैया? हमारे यहाँ आस पास में 4-5 गांव है। जी जी भैया, जैसे कि बनवासा, ये भी नरवालों का, कथूरा, कल्पा, रिंडाणा, ये सभी आस पास के जो गाँव है नरवालों के। तो यो कबड्डी की प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब पिताजी कबड्डी खेलते थे या मतलब परिवार में कैसा? मतलब नहीं, हमारे जी मेरी सिस्टर भी खेलती थी, मेरे ताऊजी का लड़का भी, और जो हमारे सीनियर थे जी जी, जो आज ये मान लो कि कबड्डी की देन है जी जी भैया, जो कबड्डी से DIG है, DSP है जी भैया, अच्छे पद पे कोच है सभी, वो कबड्डी की देन है जी जी भैया। तो जुगर बात करा जैसे ये कबड्डी, मतलब पहले जो टीम, कौन सी टीम से खेले थे जैसे, मतलब शुरू में आप कौन सी टीम से खेले थे? प्रो में? हाँ जी। प्रो में मैं पहले 3 साल पटना में खेला था, पटना पायलट्स में। अच्छा, प्रदीप नरवाल के साथ में थे? हाँ जी हाँ जी, प्रदीप नरवाल बाद में आया था जी जी, और मैं फर्स्ट सीजन से था जी जी। तो जैसे बात करें, राहुल चौधरी भी है, नितिन तोमर भी है, तो आप उन्हीं के टाइम से खेल रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट सीजन थे हैं जी, राहुल चौधरी और मैं, हम तो दोनों एक साथ साई में भी रहते हैं जी जी। तो आपकी तो मुलाकात होती रहती है राहुल चौधरी भाई? नहीं बिल्कुल मुलाकात रहती है भाई जी जी, मिलते जुलते रहते। तो भाई की बॉडी का फिटनेस भी ऐसी है, राहुल चौधरी का बिल्कुल फेस भी ऐसी मैच है बिल्कुल, वो भी भाई भी छोटे छोटे बाल लगता है अपना। तो भाई जैसे बात करा है, जिस भाई को प्रो कबड्डी में जाना, उसके लिए क्या करना जरूरी है? जैसे कुछ बोल रहे हैं कि भाई नेशनल खेल लो, भाई हम तो देखो एक ही बात बोलेंगे जी जी, नेशनल तो बाद की बात है, नेशनल मेरे हिसाब से तो नेशनल की जरूरत पड़ती नहीं जी जी। जो लड़का अगर एक तरफा मेहनत करके और सबसे अलग दिखता है ना जी जी, वो तो प्राइवेट वो हो गया ना, ये टूर्नामेंट है जी जी। तो प्राइवेट लीग है ना जी जी, इसमें तो उसमें इसका नेशनल का कोई वो नहीं होता जी जी। हाँ नेशनल से ही हो जाता है, जो बच्चा नेशनल खेलने जाता है वहाँ से दिखता है जी भैया। अगर नेशनल में माने हर कोचिज जाते हैं, मैनेजर जाता है, नेशनल से बच्चे का नजर जाती है, लड़का अच्छा, ये है बस जी जी। तो भैया आपको तो शायद अर्जुन अवार्ड भी मिला है ना सर, राष्ट्रपति ने सम्मानित किया? अर्जुन अवार्ड मिला है, जो हरियाणा का अवार्ड है, भीम अवार्ड, ये दोनों अवार्ड से मैं सम्मानित हूँ। तो शायद भाई राहुल चौधरी भाई को मिला शायद, है ना, राहुल भैया को? राहुल भैया को मिला, जो यूपी का जो अवार्ड होता है ना जी जी भैया, वो मिला है। तो देखने हो गया, कबड्डी एक अपनी फैमिली है, सभी एक परिवार है अपना जी जी। तो जुगर बात करें भैया, जैसे एक हर किसी का ड्रीम होता है भाई, हमें एक्टर से मिलना, अमिताभ बच्चन से मिलना, आपकी भी कभी किसी एक्टर से मुलाकात हुई जैसे? नहीं, मुलाकात तो वहाँ सबसे होती है भाई, सबसे हो जाती है। हाँ बिल्कुल, अब वही बात है भाई, वहाँ के एक्टर हम हैं खुद हैं जी जी, हमारे से मिलने आते हैं लोग जी जी। नहीं हमारा यार ये कभी ये मैंने सोचा नहीं था भाई कि हम एक्टर से मिलना है, नहीं नहीं जी, लाइफ में तब भी अगर कबड्डी चालू की थी ये सोच के की थी भाई, भगवान इतने अच्छे दिन दे कि लोग हमारे से मिलने आए जी जी। हम एक्टर से कम थोड़ी है भाई जी, और हमारे जो कबड्डी फैमिली है कोई भी नहीं है जी जी, जो भी तो खुद में स्टार है भैया। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अब वही बात है ना, वो बोलते हैं कि हम अगर सामने वालों को अपने से अच्छा मानते हैं जी जी, किस चीज के प्लेयर है भाई जी जी, ये तो रिस्पेक्ट करते हैं सभी के, जो अपने सीनियर प्लेयर है सभी की, ग्राउंड में आने के बाद में हम अपने से अच्छा नहीं मानते भाई, ये तो है भैया। तो जुगर बात करा जैसे बताते हैं मैंने, और भाई तभी बात करिए जो भी कबड्डी प्लेयर है, कि भाई जो कबड्डी में सेलेक्ट हो गए नौकरी भी मिल जाती है? हाँ बिल्कुल, मैं इनकम टैक्स में हुआ इंस्पेक्टर। आप उसमें ही हो, इसमें राहुल चौधरी भाई है ना जी? बिल्कुल, बिल्कुल जी जी।
दोस्तों अगर भाई कबड्डी में सेलेक्ट हो गए तो भाई ज़िंदगी सवर जाती है, ठीक है। और हमारे ये भाई है संदीप नरवाल है, और बात करें भाई अपना जो गुरुजी है आपके, उनका नाम बता सकते हो आप, किसको अपना आदर्श मानते थे जैसे से? देखो जी मैं आपको बता दूं, जो मैंने गांव में कबड्डी खेलते थे जो बचपन से, जी जी, वो फोर्थ फिफ्थ से, तब हमारे को जो अपने पहलवान जी है संजय नरवाल जी भैया, और साथ में जो अपने दीपक नरवाल के पिताजी है ना जी जी जगदीश नरवाल, ये हमारी ट्रेनिंग कराते थे गांव में, इन्हीं ने हमारे को चालू किया था खिलाना। हाँ जी, और जो मेरी पूरी सपोर्ट अगर कबड्डी में किसी ने की है, जो अपने शमशेर नरवाल के बड़े भाई हैं जी भैया, जो मेरे अंकल जी हैं रमेश नरवाल, उसने मेरी बहुत हेल्प की हर चीज में जी जी। और मैं 14 साल से गुजरात गांधीनगर प्रैक्टिस करता हूँ, तो वहाँ अपने जो गुरुजी है जयवी शर्मा जी भैया, उन्हें भी अपने को पूरी जी जान लगा के मेहनत करवाई जी जी। तो दोस्तों देखते हैं, तो भैया मतलब बात कर रहे हैं आपके मतलब गांव से भी मतलब बहुत सारे युवा जा रहे होंगे जैसे प्रो कबड्डी में ना? बिल्कुल बिल्कुल जी जी, वही है कि भाई आपने भी देखा है नरवाड़ा भी तो कबड्डी में खान है जी जी, ये तो है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी टीम ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें नरवाल नहीं मिलेगा। तो हम तो इसी चीज से बहुत खुश हैं कि हमने ऐसी जगह पे जन्म लिया है जी जी। तो देखो भाइयों, और भाइयों ज़्यादातर जो कबड्डी प्लेयर है अपने भाई हरियाणा के हैं, हरियाणा तो भाइयों गढ़ मान ले कबड्डी का, ठीक है। और भाई अपना जो है गुरुजी को अपना प्रेरणा मानते थे, फिर आगे बढ़े, ठीक है। और भैया इस सीजन आप पक्का खेलोगे? हाँ, फिट हो गए, फिट हो गए अभी, सुबह से हम ट्रेनिंग करते हैं, इंजरी थी वो भी बिल्कुल प्रिपेयर हो गए जी जी। अगर भगवान ने चाहे आपकी बार दिखाएंगे भाई पहले वाला संदीप नरवाल जी जी। तो जैसे ये अभी आपकी जो एकेडमी है, तो इसमें बच्चों का प्रैक्टिस भी कराते हो जैसे? अभी मैं सुबह शाम आता हूँ, अभी यहाँ एकेडमी में आते हैं, सुबह आते हैं जी जी 6 बजे और 8 बजे तक सुबह ट्रेनिंग कराते हैं जी जी। यहाँ पे आर्यन स्कूल है बड़वासा गांव के पास में, यहाँ अपनी मेरी खुद की एकेडमी है जी जी। और यहाँ एकेडमी में सबसे मेन चीज है, देखो एकेडमी हर जगह है, हर जगह एकेडमी, तो आपने भी देखा होगा मेरी एकेडमी घूम के, एक तो इंडोर हॉल नहीं मिलता, सारी मतलब सारी फैसिलिटी है भाई, जिम की व्यवस्था भी है, जिम है जी जी, कम से कम 15-20 लाख का तो जिम का सामान रखा है जी जी, 3 मैट है इसमें जी जी भैया, और मिट्टी के ग्राउंड है जी जी, और अच्छे अच्छी रूम है, तो यही सुविधा होनी चाहिए, और साथ में खाने पीने की है, खुद हम रखते हैं यहाँ जी जी, भाई कैसा मिल रहा है कैसा नहीं मिल रहा, अच्छा बस भाई जितनी अच्छी मेहनत होगी तो खाना पीना भी अच्छा होना चाहिए बच्चे के लिए जी जी। तो अभी एडमिशन तो चालू है ही, अभी है अपने पास 15-20 लड़के हैं जो भी, अभी होली के बाद में बच्चे आने लग जाएंगे। तो भाई वो ही बात है कि भैया एक बड़े बुड्ढे कावत कह रहे हैं कि भाई करे इंसान मेहनत सहायता भगवान करे, ठीक है। अगर किसी काम को हम लग क्या करे, ठीक है, भगवान भी सहायता करता है, कोई भी काम असंभव नहीं है इस दुनिया में जो इंसान नहीं कर सकता, आप कभी मानना। हमने अगर एकेडमी की है ना जी, या किसी बिजनेस के तौर पर नहीं की, हमने अपने नाम के लिए की है और गरीब बच्चों की सेवा करने के लिए, कि भाई हाँ हमारी उससे साथ में, ये नहीं कि भाई बच्चे आते हैं तो मेरी भी तो मेहनत होती है उनके साथ में, जो अगर दो बातें आते हैं तो बताते हैं बच्चों के लिए, अपने 2-3 कोचिज रख रखे हैं, अच्छे अच्छे लेवल के कोचिज हैं यहाँ पे, वही है कि भाई किसी ना किसी बहाने का अगर किसी बच्चे का अपने उससे अगर भविष्य बनता है तो इससे गौरव की क्या बात होगी, बहुत गर्व की बात होगी, ठीक है जी। और ये हम तो जैसे भैया बात कर रहे हैं, कुछ बहन बेटी के लिए कुछ कहना चाहोगे, जैसे हमारी बहनें हरियाणा में मेडल ला रही है, अपनी तरफ से कुछ कहना चाहोगे उनके लिए लाइन? भाई बिल्कुल, मैं हरियाणा नहीं सभी देशवासियों के लिए एक ही बात बोलना चाहता हूँ जी जी, जिसकी हमारे लिए इतना महत्व तो है भाई, प्रो लीग चल रही है जी भैया, के लिए बहुत हर गेम में हमारे बहुत हुआ है, तभी लड़कियां भी तो मेहनत करती हैं कबड्डी में भी कुश्ती में हर उसमें, तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ मान लो कि छोटी मोटी लीग चलाओ एक बार जी जी। जैसे जैसे वही है भाई, इतनी ये थोड़ी है कि भाई लड़कियां मेहनत नहीं करती, उतना ही टाइम लड़कियां देती हैं, टाइम पे ग्राउंड भी इतना ही देते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छे लेवल की कोई टूर्नामेंट रखनी चाहिए। ये तो है भैया, देखो भाई आज मैं भाई से मिला, बड़ा अच्छा लगा भाई। तो भैया जैसे बात करें तो गांव में आप खेती बाड़ी भी करते हैं आपके पिताजी से? अरे भाई मैं खुद कर रहा हूँ। आप खेती बाड़ी भी करते हो? खुद, हाँ 2 ट्रैक्टर है मेरे पास, खुद जी, जी, 30 एकड़ की खेती करता हूँ मैं, पापा जी भी करते हैं साथ में जी जी। तो भाई अपने पापा जी भाई किसानों के बेटे हैं जी जी, तो बस वही है कि भाई गेम है तो है ही है, साथ में जो सपोज मैंने अपने घर का भी काम में अगर टाइम निकाले ना जी जी, तो वो भी ये सोच के कि भी मेहनत हो रही है, खेत में भी जाते हैं मेहनत करते हैं जी, तो जी वो भी तो अपनी मेहनत हो रही है। ये तो है भैया। तो भैया जैसे आप तो काफी दूर दूर घूम चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा बताइए हमारे किसान भाई को, रहने का मजा गाँव में है शहर में है, आप बताइए अपने हिसाब से
कहाँ जी लगता है आपका भाई? मेरा तो गांव में लगता है। गांव में जी लग गया? बिल्कुल, हमारा गांव बहुत अच्छा है जी। जी भाई, हर तरीके से एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। गांव में होता है, शहर में जाते हैं, पास वाला घर किसको अपने खुद नहीं पता भाई ये किसका है, उसको ये नहीं पता हम कौन है क्या। गांव में एक दूसरे से वास्ता रहता है, पाँच दस बूढ़े बैठते हैं वहाँ, कुछ ना कुछ अच्छा ही सिखाएंगे। तो गांव जैसा खाना कहीं नहीं मिलता भैया। मतलब देखो भाई, एक से एक खाने बनाते हैं, लेकिन जैसा बताते हैं ना कि माँ की हाथों की रोटी कहीं नहीं मिल पाती। मैं तो आप बिल्कुल भाई, और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और बोलना चाहूंगा अपने यंग जो आने वाला भविष्य है सभी को जी भैया, कि भाई आप किसी ना किसी गेम में जरूर ऐसा लो जी। देखो पढ़ाई तो जरूरी है ही, साथ के साथ आप गेम में ऐसा लो जी, जी। नशे पत्ते से दूर रहो जी, जी भैया। वही है कि कुछ ना कुछ भगवान आपको देगा, ये तो है भैया। जी जान लगा के मेहनत करोगे, देखो अपना तो नाम है ही जी, जी। अभी है, मेरा तो नाम है जी जी। मैं अपने नाम से कुछ नहीं हूँ, मैं मेरे गांव का नाम जहाँ पे आता है कि भाई संदीप नरवाल का गाँव कथूरा है जी जी, मैं डिस्ट्रिक्ट सोनीपत हरियाणा है जी जी भैया। तो इससे ज्यादा गुरु की क्या बात होगी भाई। अपना एक बंदा आप मम्मी पापा का नाम रोशन करता है, पूरी रिश्तेदारी का करता है, गांव का, इलाके का, तो एक बंदा कुछ भी कर सकता है अगर जी जान लगा के मेहनत करे। कोई भी काम असंभव नहीं है भाई, बिल्कुल संदीप भाई, अपना मन में ठान लो तो भाई बिल्कुल बिल्कुल सब काम आसान हो जाते हैं। वो बोलते हैं ना, मनुष्य से ज्यादा ताकत किसी चीज में नहीं है। अगर मनुष्य ये बोलता है ना कि मनुष्य ये ठान लेता है कि मेरे को कुछ भी हो जाए बीत गिरानी है जी जी, तो वो बंदा बीत गिरा के मानेगा जी जी। टाइम लगता है हर चीज में जी जी। तो हरियाणा भाई, हरियाणा का एक फेमस है दूध दही का खाना, वो थोड़ा सा बताओ अपने क्या बोल रहे हैं। खाना ये मेरा हरियाणा जी जी, दूध दही के बगैर कुछ नहीं है भाई जी जी। एक बड़े बुड्ढे यहाँ की कहावत भी कह रहा है हरियाणा के, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। ये सही बात है, बिल्कुल सही कह रहा है बात, बिल्कुल भाई जी जी। अब तो हमारे तो हरियाणा में यही है कि भाई सपोज के देख, जितना छोटा हरियाणा है जी जी भैया, इतना ही ज्यादा तरकीब है वो एक स्पोर्ट्स के मामले में जी जी भैया। और ये नहीं कि भाई पढ़ाई के मामले में भी अच्छा है जी जी। यहाँ से बहुत सारी बहनें मेडल ला रही है हरियाणा से सारी, मतलब एक वो है गढ़ मेडल का। बिल्कुल बिल्कुल भाई, पूरा हरियाणा में इस चीज हमारे स्पोर्ट्स में रुचि है जी जी। तो देख सकते हैं हमारे भाई संदीप नरवाल भाई, और मजा आ गया भाई, दिल से भी खुश हो गया भाई मिलकर, ठीक है। और भाई इस बार भाई सीजन खेल लेंगे भाई, हमारा तो ईश्वर से यही कामना है कि हमारे भैया को और तरक्की दे। बस अपने जो है ना अखाड़ा से वो जो अकेडमी से जहाँ प्रैक्टिस करते हैं वो दिखाई हमारे भाई को। तो भाई अब चलते हैं, संदीप नरवाल भाई दिखाओगे जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, तो भाई के साथ में चलते हैं। और देखो भाई, ये हमारी भाई की ये किट है अपना, और भाई इसमें जसते हैं हमारे भाई बिल्लू वाली किट में, ठीक है जी। और ये देखते हैं, तो भाई अपने चक्कर तो लगते रहते होंगे यहाँ पे सुबह शाम, है ना? अरे मैं तो अभी सुबह शाम दोनों टाइम सब करा, दोनों टाइम आते हैं भैया। ये तो रहनेगा हो गया अपना पूरा जी। हमने देखो एसी रूम दी, देखो भाइयों यहाँ पे बच्चों के लिए सारी सुविधा है जी, ए टू जेड, ठीक है। और संदीप नरवाल भाई हमें दिखावेंगे जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पे जिम का सामान है। ये इंदौर जी जी भैया, ये जो बैक साइड पे है जी जी, जो साइड है वो मिट्टी के चार ग्राउंड हो गए। अच्छा अच्छा, ये देखते हैं ऊपर हॉस्टल है भाइयों, ठीक है भाई। यहाँ के बारे में बताइए क्या क्या फैसिलिटी है। ये देखो भाई जी, एक तो ये रस्सा है साथ में। अच्छा रस्सा, जैसे मतलब ऊपर चढ़ते हैं? हाँ ऊपर चढ़ने का। थोड़ा सा आप भी चढ़ के दिखा दो। चढ़ते रहते हैं भाई, चढ़ जाओगे आप भी? थोड़ा सा थोड़ी दूर चढ़ के दिखाइए हमारे किसान भाइयों को। नरवाल भाई भी यहाँ पे देखो, थोड़ा सा चढ़ के दिखाएंगे आपको, ऐसे चढ़ जाते हैं। ये देखो भाई, ये चढ़ के भाई, ये भाई ने थोड़ा सा चढ़ के दिखाया। तो आप बच्चों को मतलब यहाँ पे ट्रेन करते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी जी भैया। और ये चेंजिंग रूम हो गया बच्चे के, ये बच्चे के लिए चेंजिंग रूम भी बनवाया है भाई ने। ये इंडोर हॉल हो गया, इसमें मैट हो गए जी जी भैया, ये तीन मैट लग जाते हैं इसमें अपने जी जी भैया। और ये साथ के साथ देखो, ये पूरा जिम का हो गया। देखो भाई ये जिम देखो भैया ना सारी, मतलब ये काफी महंगी आई होगी ये भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी सारी मशीन है भाई, ए टू जेड जो साइड हो गया जी जी, ये साथ में उस साइड हो गया जी जी भाई। और देखते भाई संदीप भाई, ये फोटो मैं जिक्र करूँ, ये कब का फोटो होगा? जैसे बात करें इसमें राहुल चौधरी भी आपको पकड़ रहा है, लेकिन आप पकड़ में नहीं आ रहे। ये जब मैं यू मुंबई में था। अच्छा यू मुंबई में, तो आप यहाँ पे मतलब ऊपर उड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है ऊपर उड़ रहे हैं। तो देखो भाई राहुल चौधरी भी पकड़ रहा है, लेकिन भाई पकड़ में नहीं आता किसी की भी, ठीक है। और यहीं से आपको मैं दिखा देता हूँ जी जी। तो दोस्तों ये देखते हैं थोड़ा सा, मैं एक बार आपको बाहर से भी दिखा देंगे, लेकिन आपको यहाँ देख लो ये भैया अपने मिट्टी के ग्राउंड है। अच्छा जी, बिल्कुल बैक साइड में जी जी। यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं कबड्डी? हाँ जी बिल्कुल, सुबह शाम दोनों जी जी। ये देखते हैं भैया, वो क्या उधर साइड में वहाँ पे अपने ये मिट्टी का अखाड़ा बनवाया है बच्चों के लिए। हाँ जी बिल्कुल। तो भाइयों जो बच्चे और भी स्पोर्ट्स में है, भैया ने सारी सुविधा दे रखी है, ठीक है। हाँ देखो, वो बोलते हैं ना भाई अकेडमी है वहाँ पे, हर
सपोर्ट मैन के लिए यहाँ अपने स्कूल में पढ़ाई के लिए भी है। जी जी भैया, प्लस टू तक का ये स्कूल है जी जी, तो सभी बहन बेटियों के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो अपनी कबड्डी की अकेडमी है ओनली बॉयज के लिए भाई। जी जी भैया। हाँ तो दोस्तों अभी और भी आपको फोटोग्राफ दिखाएंगे, एक फोटो को भैया मैं जिक्र करूँ, ये कब आपको सम्मानित किया था? ये भाई अपने अभी अर्जुन अवार्ड मिला था मेरे को 2021 में। अच्छा 2021 में। हाँ जी हाँ जी। तो जब आपको अवार्ड मिला आपको कैसा लगा? बिल्कुल भाई बहुत खुशी होती है कि ये तो लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि जी जी इतना बड़ा पद हमारे को मिलेगा। जी जी। तो देखते भाइयों ये हमारे भाई हैं, देखो कितने जच रहे हैं भाई कोर्ट में, ठीक है। और भाई जैसे वहाँ पे गए तो थोड़ा सा मतलब घबरा भी रहे थे कैसे मतलब जब अवार्ड नहीं ज्यादा कुछ नहीं है। जी जी। वो तो जब फर्स्ट में था भी इतनी हिचकिचाहट नहीं होती। जी जी। तो जैसे आपका नाम बुलाने को संदीप नरवाल, तो आपके वो एक बड़ी खुशी हुई भाई मुझे अवार्ड मिल गया। बिल्कुल। जी जी। किसको नहीं होती, इतना बड़ा अवार्ड मिलता है। जी जी। स्पोर्ट्समैन को तो ये यकीन नाम ही याद आता है उसका, तो उसमें ही बहुत खुशी होती है भाई। तो संदीप भाई जी को बात कराए, ये जो मैट है जो प्रो कबड्डी में होता है वही मैट है ये? बिल्कुल सेम वही मैट, सेम वही मैट है ये, नया मैट बिल्कुल भाई। बच्चे के लिए जिम और मैट बहुत जरूरी हो गया, ये तो होता है भैया। बिल्कुल, हमने जिम का भी कर दिया और मैट का। जी जी। तो जैसे बच्चे हैं उनको स्पेशल में अपनी किट देते हो अपना, जैसे जो भी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो भाई ने किट बनवा रखी है अपना, यहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों की, ठीक है। और उनको बताते हैं कि भाई बेटा ऐसे पॉइंट लेने हैं, ऐसे आपको वो करना है, डिफेंस करना है। बिल्कुल। और सर अच्छे तरीके से समझाते हैं। लड़के आते हैं ना उनको हफ्ता 10 दिन में तो पूरा सिखा देते हैं, बिठा के एक बार। जी अंकल जी, राम राम कहते सारे भाइयों ने। राम राम भाई। और देखो भाई एक बार राम राम कर दो आप भी। तो भाई इस वीडियो को शेयर कर दो, वारे किनारे करते रहो, सारा भाई वारे किनारे करते रहेगा। राम राम सारे भाइयों ने।